दोस्तों, पाकिस्तान में टिकटॉक पर वायरल हो रही इस वीडियो में खुद ये लोग अल्लाह के अजाब को दावत देते हुए नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर वीडियोस बनाने के लिए लोग इस हद तक गिर चुके हैं कि वो दीन का मजाक उड़ाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ते। पाकिस्तान से आई इस वीडियो में देखिए, कुछ नौजवान कब्रिस्तान में दुआ करने के लिए आते हैं, लेकिन कब्र के पीछे बैठे इस आदमी ने जो किया वो आप इस पूरी वीडियो में देखिए। दोस्तों, कब्र इंसान की आखिरी मंजिल होती है जहां उसके आमाल का हिसाब किताब होना है। हदीस मुबारका में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम कब्रों की ज्यारत किया करो, कब्रिस्तान जाया करो, क्योंकि कब्रिस्तान में मौजूद कब्रें मौत की याद दिलाती हैं, मौत की याद ताज़ा करती हैं। यानी कि दोस्तों, कब्रिस्तान में जाने के बाद इंसान को अपनी आखिरत और मौत की याद आती है। जब वो ये देखता है कि कल तक जो लोग हमारी आंखों के सामने जिंदा थे, हंस बोल रहे थे, आज वो इस कब्र में मिट्टी के साथ मिट्टी हो चुके हैं, उसे याद आता है कि मुझे भी इस दुनिया फानी से जाना है और हमारा असल मस्कन और ठिकाना यही जगह है। इंसान गुनाहों से बचने और तौबा करने लगता है। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, कब्रों की जियारत किया करो क्योंकि ये मौत की याद दिलाती है। मगर अफसोस, यहाँ लोग कब्रिस्तान जाते नहीं, और अगर जाते भी हैं तो टिकटॉक की वीडियोस बनाने के लिए। जरा आप इस वीडियो को देखिए जो आपकी स्क्रीन पर मौजूद और चल रही है। क्या ये लोग अल्लाह के अजाब को दावत नहीं दे रहे? ये पूरा वीडियो हम आपको दिखाते हैं, इन लोगों ने कब्रिस्तान में जाकर क्या गुल खिलाए हैं। बाकी आप अपनी कीमती राय इस वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वालेकुम अस्सलाम अब्दुल शकूर।